पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चैनल पर न्यू हो इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टा पर फॉलो नहीं किया जल्दी से वहां पर जाकर मैं फॉलो करो, कॉन्टैक्ट करो ताकि हम आपको वहां पर रिप्लाई भी कर सके। लिंक मिल जाएगा हम दोनों के डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं वैशर। सो गाइस आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने लगी है, मतलब काफी लोगों ने इसका लिंक दिया। तो वीडियो का टाइटल है टॉप इंटरनेशनल बसेस इन इंडिया, वो बसेस जो मतलब सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होती हैं और वो इंटरनेशनल बसेस हैं। तो देखते हैं मतलब कौन सी बसेस है भाई। चलो तो आपके फैक्ट की वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो काउंट डाउन करते हैं 3-1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फैक्ट्स में। और जब बात करने वाले हैं हमारे भारत देश से विदेश जाने वाली बसों के बारे में, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। विदेश जो जाती हैं पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया से बांग्लादेश जाने वाली बसों के बारे में। अच्छा, इंडिया टू बांग्लादेश। अगर आप इंडिया से बांग्लादेश या बांग्लादेश से इंडिया आना चाहते हैं तो प्रॉपर वीजा पासपोर्ट होना जरूरी है। जाती है इंडिया से बांग्लादेश के लिए बस आपको कोलकाता के मेन बस स्टैंड से मिल जाएगी। बांग्लादेश के ढाका से आपको इंडिया के कोलकाता तक की बस मिल जाएगी। क्या बात है। बात करें जर्नी कॉस्ट की तो कोलकाता से ढाका तक की जर्नी कॉस्ट 1,000 to 3,000 है। आपको बता दें कि ना ही इंडिया की बस बांग्लादेश जाती है और ना ही बांग्लादेश की बस इंडिया आती है। जो बस कोलकाता से आपको ढाका ले जाएगी, असल में वो बस आपको इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बस स्टैंड तक ही ले जाएगी। अच्छा, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे और जिस बस सर्विस से आप ढाका जा रहे थे उसी बस सर्विस के बांग्लादेशी बस आपको बॉर्डर। अच्छा, बांग्लादेशी बस होगी। बट इनमें कई बसें ऐसी होती हैं जिनके पास इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों के परमिशन होती है, तो वो बिना बस चेंज किए ही आपको कोलकाता से ढाका तक की जर्नी करा देंगे। इस तरह बसें हैं। इस रूट पर कई सारी बस सर्विस हैं जैसे कि रेड लाइन बस सर्विस, सैमोली यात्रा परिवहन बस सर्विस। और अब हम बात करते हैं नेपाल जाने के लिए आपको बस इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से मिल जाती है, जैसे कि न्यू दिल्ली टू जनकपुर। अगर ये बस है तो ये बस बहुत बेकार है। न्यू दिल्ली टू काठमांडू एंड जयनगर टू ये नहीं है, ये वैसी बनाई हुई ये हो। ये वाली है नेपाल देख साथ, ये अच्छी बस है, बहुत आड़ी है। यो टाउन में भी आपको किसी भी प्रकार की वीजा और पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं होती है। इंडिया से नेपाल जाने वाली जिस किसी बस में नेपाल बहुत अच्छे दोस्त नेपाल तक हैं, अभी भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनकी थोड़ा पंगा नेपाल के लिए बसेस डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से मिलती हैं, तो जर्नी कॉस्ट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। इस रूट पर कई सारी बसेस ऑन सर्विस हैं जैसे कि नॉर्थन ट्रेवल्स, मनुष्यश्री यात्रा, ये दोनों बसेस आपको न्यू दिल्ली से मिल जाएंगी। और अब बात करते हैं इंडिया से पाकिस्तान जाने वाली बसों के बारे में। ये इसका तो मुझे पता था, इंडिया से पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से ना जाना चाहते हैं तो आपको बस इंडिया के न्यू दिल्ली और पाकिस्तान के लाहौर से मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, यही बॉर्डर लगते हैं जो मेन वाघा बॉर्डर। नाम की बस को ऑन सर्विस में रखा गया है, इधर से भी लोग आते जाते हैं। इंडिया से पाकिस्तान के लाहौर सिटी तक जाती है इस बस के। इंडिया में 5 स्टॉप्स हैं, अमृतसर, करतारपुर, कुरुक्षेत्र, श्रीहिंद एंड बागा। ये बस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जॉइंट प्रोग्राम है। DTC यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लाहौर जाती है। अच्छा। और PTDC यानी पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बस दिल्ली एवरी ट्यूजडे और सैटरडे को दिल्ली जाती है। अच्छा। और DTC की बस ट्यूजडे, थर्सडे और सैटरडे को पाकिस्तान के लाहौर से इंडिया के दिल्ली के लिए आती है। और PTDC की बस एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को काफी लोग आता है वाघा बॉर्डर पे यार। ₹2,400 चार्ज करता है और वहीं PTDC 4,000 चार्ज करती है, यानी 4,000 में तुम यहाँ से उधर कैसे जा। की कुछ इंटरनेशनल बस सर्विसेज आपको बता दें कि अभी कई सारी बस सर्विसेज और अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि कोलकाता टू बर्मा। और वीजा और पासपोर्ट इंडिया और पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर पर चेक किया जाता है। इस पूरी जर्नी में DTC यूज करता है वेल्वो B9R बस का, जो कि कवर करती है 530 किलोमीटर की जर्नी को सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे में। अच्छा।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। यार बहुत इन्फॉर्मेटिव थी यार, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक मिलेगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, लिंक यार उसमें आपको मिल जाएगा। तो यार काफी प्यारी वीडियो मुझे लगी है, मतलब कंट्रीज में आती जाती बसें, क्योंकि काफी लोग पहले अब ज्यादा ट्रैवल तो करते हैं, ट्रैवलिंग है ना, क्योंकि अभी वैसे भी यार मतलब कुछ ऐसे लोग पाकिस्तान में जिनका जो दादे जादे वो मतलब वहां पे रहते हैं इंडिया में, फिर कुछ ऐसे इंडियन हैं जिनके पाकिस्तान में रहते हैं, मेरी कितनों से बात हुई है जिन्होंने खुद बताया कि हम मेरे उधर रहते हैं, तो काफी लोग यार वो मतलब कराची, वो आजादी से पहले फिर उधर रह गए, तो अभी भी आना जाना लगा है। और यही बात है कि तभी ये बसें चलती, मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है चलती रहे और हमेशा चलती रहे, लेकिन यार मैं तो कहता हूँ और ज्यादा चले सीरियसली, लेकिन विजिट वीजा थोड़ा पंगा करता है, अभी थोड़ा विजिट वीजा ने थोड़ा पंगा किया, अभी कुछ ज्यादा हालात खराब हो गए, पहले मतलब नहीं थे इतने, अभी थोड़े हो गए। और बांग्लादेश का तो मतलब मैंने नहीं सुना होता, उधर भी जाती है, और नेपाल, नेपाल तो यार बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी थोड़े हालात उनके खराब हुए, पहले नहीं तो ये काफी अच्छे थे आपस में, लेकिन यार बगैर वीजे वहाँ पे तो दो लोग भी आ जा रहे थे मजे से, बिल्कुल। और यार भूटान का भी शायद जाती हो, क्योंकि भूटान इंडिया का मतलब बेस्ट फ्रेंड है, मतलब वो ऐसा कंट्री है जिसकी मतलब सुरक्षा की जिम्मेवारी, मतलब सुरक्षा की जिम्मेवारी ली है इंडिया ने, बिल्कुल। भूटान वाले तो सारे इंडिया की पूजा एक किस्म की करते हैं यार, तो बहुत मानते हैं, मतलब वो बिल्कुल बताएं अभी कि मतलब उधर भी जाती है कि नहीं, और कौन कौन सी कंट्रीज में जाती है, लेकिन ये जाहिर बात है ये वाली काफी मुझे अच्छी वीडियो लगी, बसें भी काफी अच्छी थी, वो शुरू में वो एक आई थी खचाड़ा सीना, तो मैं समझा है ये जाती है नेपाल नहीं जाती थी, वो वैसी लोकल बस होगी, वो लोकल नहीं होती, उसके लिए सॉरी बसे, हां उसके लिए सॉरी यार, मैं वो समझा कि भाई वो, मैंने कहा उसका कैमरा बता रहे, मैंने कहा ये जाती, लेकिन जब देखी फिर मैंने कहा एक यो बांग्लादेश वाली यूटोंग थी ना, हां है ना, दोस्त नहीं काफी डिफरेंट कंपनीज है मुबशिर, लेकिन शेप बिल्कुल बहुत थी, हां शेप तो फिर, और ये बताना यार इंडिया में यूटोंग चलती है सर्विस या नहीं, मतलब कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी यूटोंग की बसेस, हां यूटोंग मेरे ख्याल में साउथ कोरियन है ना, साउथ कोरियन है, साउथ कोरियन। तो यार आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ना भूलना। और यार ओरिजिनल लिंक हम दे देंगे आपके फैक्ट कर डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनका चैनल यार सब्सक्राइब करना यार, बहुत जबरदस्त किस्म की वीडियो बनाता है यार, मतलब कोई शक नहीं, शक की नहीं है। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत बहुत बाय।